मानते हैं कि टूटते तारे सूरज की अशांत आत्माएं होती हैं जो हजारों साल पहले मर चुके थे, और इस हैलोवीन की ठंडी रात के दौरान इस तरह की आत्माएं आपको अंतरिक्ष की गहराइयों से पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर आएंगी। नहीं, मेरा मतलब आज बहुत ठंड है। सही कह रही हो ना? जो भी हो, चलो इसे बंद कर देते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ओ, टूटते हुए तारों की खुशकिस्मती का प्रतीक माना गया है। इन्हीं तारों ने डायनासोरों का अंत किया था और हमारे लिए जीसस का दौर लाए थे, और आज मेरे लिए ये हैलोवीन लाइव स्ट्रीम। दिन भर इसका शोर अचानक ऐसे हो उठता है जैसे कोई चिल्ला रहा हो। ठीक है, हो गया। ठीक हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बैकग्राउंड में हॉरर फिल्म डाली हुई है। डरने वाली कोई बात नहीं है, इसको मैंने खुद कुछ पैसे खर्च करके कबाड़े से खरीदा हुआ था। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिल्म मत बनाना, इसके चक्कर में पड़ना भी बेकार होगा। तब जब आपके पास पैसे नहीं है तो मुझे पता नहीं है आपको कैसे पैसे कमाने हैं, पर प्लीज उसके लिए लोगों की पॉकेट मत मारना शुरू कर देना। दर्शकों, वेलकम टू माय हैलोवीन लाइव स्ट्रीम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास बच्चों के लिए सभी प्रकार की कैंडीज हैं, जो निश्चित रूप से आके मुझे बोलेंगे दीदी ट्रिक या ट्रीट, ट्रिक या ट्रीट। बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना, तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि क्या डिफरेंट करने जा रहे हैं आज हम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल की कैंडीज, मूवी रिव्यू, मेकअप, गार्डनिंग और वॉटर पोलो के बारे में है, और आज हम कुछ नया करते हैं, आज हम कद्दू बनाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो मैं देख सकती हूँ कि आप पहले से ही ऑनलाइन हैं। हेलो फॉलोअर्स, अब नक्काशी के लिए ध्यान दीजिए। एक हाथ में चाकू लीजिए और इसमें 3 छेद करने हैं। तो पहले होंठ के लिए। ओह, देखो तो लगता है बच्चे आ गए। मैं आ रही हूँ मेरे बच्चों। ट्रिक या ट्रीट, यहाँ आपको मिलेगी ट्रीट कैंडीज। मैंने कहा ना चुपचाप लो और जाओ यहाँ से, मैं अभी काम कर रही हूँ। बोरिंग बच्चे, लेना है तो लो वरना बाहर में जाओ। बकवास कहीं के। हेलो फॉलोवर्स, तो चलो कद्दू का काम शुरू करते हैं। तो
दुकान अभी तक ये जगह बेची नहीं है क्या? बेचेगा भी तो कौन खरीदेगा भाई? कितने साल पहले? 6-7 साल समझो, 7 साल से यहाँ पर कोई आया नहीं है। हम खुशकिस्मत हैं जो हमें चाबी मिल गई। देखो, मैं कॉन्सर्ट में जाने के लिए कोई मरा नहीं जा रहा था, लेकिन ये यहाँ पर मेल मिलाप का आइडिया तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ, क्योंकि हर रात अपनी घर वालियों के साथ गुजारना मायने नहीं रखता। मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा ठीक है। स्वागत है आपका डीजे रेई सोतमी के रेडियो स्टेशन पर। मैं पूरी रात आपके साथ रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे राक्षसी गाने जब तक सुबह पूरी नहीं हो जाती तब तक भूत बंगले के दरवाजों की चरचराहट की तरह आप सभी के चैन को बेचैन करते रहेंगे। हमारा कार्यक्रम इसी तरह जारी रहेगा। मैं इधर आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आपका दिमाग गिरते हुए तारों की बौछारों की ओर इशारा कर रहा है? हाँ कहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी नज़र उन्हीं पर टिकी होगी। आपको पता है मैं हमेशा से आपकी लिसनर रही हूँ। आपको अंदाजा भी नहीं होगा आखिर आपका शो मेरे लिए कितना मायने रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ससुर का नाती चिकना गुब्बारा कैसे टकला लेकर हर रात मुझे कितना पकाया करता है। यहाँ पर लूका भी है क्या? नहीं। और रेनी? नहीं यहाँ रेनी नहीं हो सकता। सुनो तो रेनी कहाँ पर है फिर? ऐसे कहाँ है वो? तुम्हें पता है ना, बिना ड्रग्स और बिना कॉल गर्ल्स के मैं कैसा हो जाता हूँ। ये रेनी कहाँ है? ये सब क्या बकवास? ऐसे जगह पे रात को रियूनियन? तूने मुझसे झूठ बोला है ना? अरे मैंने तुझसे कहाँ झूठ बोला? हमें मिला तो है कद्दू, सोफे और रेनी की यादें। तू की बातें मत कर, सुन। तुझे मालूम है ना, सारा को पता चल गया तो क्या होगा? अरे यार क्या कर रहा है तू? चिल करना। देख मैं हर चीज का ख्याल रख रहा हूँ। ये देख, लुका मेरे अकाउंट से हर 30 मिनट में फोटोज और स्टेटस अपडेट करता है। अगर सारा और डलीला अपडेट लेंगे तो उन्हें लगेगा ये म्यूजिक कॉन्सर्ट में मस्त है। बिल्कुल। इस काम के लिए तूने पैसे वैसे दिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैंने लुका के पास अपनी बहन भेज दी, जिसके साथ उसका अच्छा टाइम पास होता है और वो मजे से रहता है। वो मेरा कहा हर काम खुशी से करता है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तू मुझे किस नरक में ले जाने की कोशिश कर रहा है। जानता हूँ ये थोड़ा वाहियात लग रहा है, लेकिन क्या करूँ यार, एक ही रेडियो स्टेशन काम कर रहा है और उसमें बैठा टकला माहौल खराब कर रहा है। तूने पहले क्यों नहीं बताया कि वो भी यहाँ पर होगा? फिर क्या तुम आते? बिल्कुल भी नहीं। देखो तुमसे झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी। कितने साल बीत चुके हैं? 7 साल। 7 साल ना? ये सबके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा, लेकिन मुझे भरोसा है ये दौर भी गुजर जाएगा। और फिर आखिर में अपनी दोस्ती में 4 चांद लगाने के लिए लड़कियों और ड्रग्स की पार्टी होगी।
बहुत सही, एक 18 साल की लड़की के लिए इतना सब कुछ, तेरी प्रॉब्लम क्या है मुझे बताएगा? इसके बारे में बात कर रहे हो? 18 की फ्रेश आइटम है, कोई सेल्यूलाइट नहीं, और जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तब भी ये मजे देने के लिए काफी होगी, इसलिए मैं इसको अपने से चिपका कर रखना चाहता हूँ। और फिर जीना इसी का नाम ही तो है ना? ये तो बायोलॉजिकल क्लॉक है भाई, जब हम अपनी रातें रंगीन बना रहे होंगे तो दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। देखा ड्रग किस तरह एक बेचारे इंसान की क्या हालत करता है? कहीं का जा और जाकर मर, तू और तेरी बकवास हरकत है। क्या ये वही हरकत नहीं जो कभी तुम भी किया करती हो? सबसे ज्यादा लाइक की जाने वाली सेल्फी मेरी दास्तां बयां करती है। देखा, हम इधर मजे ले रहे हैं और वो उधर, सब कुछ एकदम प्रॉपर है ना? हाँ? नहीं। पागल नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। संद्रीनो, तेरी बहन मुश्किल में है और तू इस तरह हेल्प करेगा? देखो मैं यहाँ हूँ, पता नहीं कहाँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हूँ और हमारे साथ में थेरेसा है, और अगर मुझे आना जरूरी नहीं लगता तो मैं मनोलो हम के साथ किसी तेरी मत मेरे बात करने की। जरूर मजा आया होगा तुझे। मैं तेरी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं तेरी होमोसेक्सुअलिटी सहन करती हूँ, वाकई में मैं इसका विरोध नहीं करती, क्योंकि आजकल इसे फैशन माना जाने लगा है, समझ गए तुम? एक बात का ख्याल रखना कि मेरी सब्र की परीक्षा मत लेना, वरना पूरी तरह औरत बना दूंगी तुझे, समझा? बहुत बड़ा पागल है, कमीना है, भटका हुआ जानवर है। अरे एक नंबर का नल्ला है रे तू। तुझे माफ करती हूँ मीठे, उम्मीद है कि अब तुम मुझसे कायदे से पेश आएगा, सही कहा ना? इस वाहियात रेडियो को बंद करो प्लीज, ये मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो आप कहीं जाइएगा मत, हम पूरी रात साथ में बिताने वाले हैं। वो रातें जब आत्माएं आसमान में नाचती हैं और गाती हैं। लेकिन कॉल्स को लेने से पहले मैं उस आदमी से कुछ कहना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं, और वो है मेरे डैड। मैंने अपने डैड के लिए एक नया रेडियो सेट खरीदा है ताकि वो मेरी बातें सुन सके। क्या ये सर्दियों की लंबी चुड़ैलों वाली रातें आपको उन दिनों की याद दिला सकती हैं जब मैं उनके पास पहुंच जाता था? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आज की रात मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है डैड। और श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस शो में आपके साथ आने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिनका नाम है प्रिय सिंडरेलो, इंडिपेंडेंट रैप की कंट्रोवर्शियल आवाज, जो हमारे सोशल पेजेस पर या लाइव कॉल से आए हुए सभी सवालों का जवाब देने वाली है। तो हमारे साथ कोई जुड़ चुका है जिससे अभी हम बात करने वाले हैं, और उसका नाम है मार्को। तो चलिए इन बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं मिस्टर मार्को के साथ। तो मार्को, बताइए कि आप कैसे हैं? इंतजार खत्म, बताओ रैनी कहाँ है?
हेलोवीन के लिए मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के लिए पैसे खर्च किए थे जो तुम आज लाने वाले थे, राइट? हाँ, लेकिन क्या? लेकिन विकिन, तेरे पिछवाड़े पैसे लात मारूंगा कि ये बहाने बनाना भूल जाएगा, समझ गया? रेनी, स्वागत है तुम्हारा। तू कहाँ था? क्या तुझे ड्रग्स मिला? किसी ने तेरा पीछा तो नहीं किया? दोस्तों इधर देखो, कौन आया है? रेनी, पुराने दिनों की तरह हमारी टोली धरती को नरक बनाने के लिए तैयार है। मेरा मतलब तबाही के लिए तैयार हो ना? ये रहा, देखो है ना कमाल। मुझे भी यही उम्मीद है तुम्हारे लिए। चलो सब तैयारी में लगो, किसी बात की कमी नहीं होने वाली। पार्टी करना शुरू करो। मैं यहाँ पर ये सब करने के लिए नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हो? कोई और इच्छा है क्या? नहीं, देखो मैं एंगेज हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से प्यार करता हूँ। ओके, सब चलता है। मुझे उससे सच में प्यार है। ओके, अगर वो इतनी ही खास है तो उसके बारे में बताओ, मैं भी उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखते हैं तुम तो मुझे रोक पाते हो या नहीं। रुको रुको, ये नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब कि वो कैसे बताऊं, जिस तरह वो अपनी गर्दन झुकाती है, मुझे वो बहुत पसंद है। इंटरेस्टिंग। मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने कानों की बालियां दिखाने के लिए कंधे से बाल हटाती है। वो ऐसा तब करती है जब वो परेशान होती है, जब वो अपने ख्यालों में खोई होती है, लेकिन वो कहीं दूर ना देख कर सीधा मेरी आंखों में देखती है, और तब वो एक अलग ही एहसास होता है। मैं एक्साइट हो जाता हूँ और उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। बहुत प्यार करते हो क्या? वाकई तुम समझ गई? लेकिन तुम दोनों साथ नहीं, तुम्हारी बातों से ही मुझे समझ आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? साथ में रहते हुए भी कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल, लेकिन तुम जिस तरह जिक्र कर रहे हो, लगता तुमने किसी और की गर्लफ्रेंड से प्यार किया है। लोगों के मन को पढ़ना
ये मेरा काम है ताकि मैं उनकी इच्छाओं को अच्छी तरह से पूरी कर सकूं, और मैं इस काम में बहुत अच्छी तरह से माहिर हूं। मेरी बात समझ गए ना? तो कौन है वो लड़की? कौन? देखो, मुझे मेरे काम के पैसे मिलते हैं और मुझे पैसे चाहिए, ठीक है? तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इस तरह की बातें करें जिससे हम दोनों को ही अजीब ना लगे, ओके? हाँ, लेकिन तो वो प्रिंसेस है कौन? ये तो तेरी वही कमीनी गर्लफ्रेंड है। ओए, वो बहुत बड़ी चुड़ैल है भाई। छुप जा, मैं हैंडल करता हूँ इसको। प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। वो कमीना कहाँ है? मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? सॉरी, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। यांगी कहाँ है? मुझे डार्लिंग, कहाँ है वो? कहाँ है वो? कौन? कॉल गर्ल। ये शैमुअल के करतूत है ना? ये उसी का कोठा है ना? तूने उसके बारे में पहली डेट में बताया था। मेरी जान, तुम कुछ नहीं भूलती। कहाँ है वो सारी कमीनी कॉल गर्ल? अरे, कोई कॉल गर्ल नहीं है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन हम सब बस मिलकर ड्रग्स पार्टी कर रहे हैं। ड्रग्स? तू झूठ बोल रहा है ना? मैंने यहाँ पर कॉन्डम्स देखे हैं। अरे नहीं, वो हमारे लिए है। मेरा मतलब, क्योंकि जब तुम पूरे मूड में होती हो ना, तो एक पैकेट से काम नहीं चलता। हम सब अच्छे दोस्त हैं यहाँ, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन फिर सेफ्टी के मामले में हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बस कर, तू मेरे भरोसे के काबिल नहीं है, समझा? मैं जानती थी कि तू कितना कमीना है। दूर रह मुझसे, ये वायरस तेरे अंदर भी आया होगा। मुझे टच भी मत करना, समझ गया? दूर रहो, उसे छुओ मत। नहीं, सुनो, प्लीज शांत हो जाओ। इसकी हालत ठीक नहीं है, हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। बकवास मत करो, ये बता कि ड्रग्स का करना क्या है? कोई बात नहीं, हम उसे टॉयलेट में बहा देंगे। बेवकूफ हो गया क्या? तुझे एम्बुलेंस को बुलाना होगा। अरे सुनो, मेरे पास कार है, मैं खुद उसे हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ। तू पागल है क्या? इसमें से कोई भी कमीना या कमीनी डैडी के कार में नहीं बैठेगा।
हमारी कार। पुलिस को कॉल करो अभी तुरंत। किसी को कॉल मत करो, मेरे पास भी कार है, मैं खुद उनका पीछा करूंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। तुम जानते हो कि मैंने उन पर कितना पैसा खर्च किया है, मैं उनकी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें, वो गई काम से। तुमने शराब पी है क्या? सच सच बताना, तुमने पी है? नहीं नहीं सारा, क्या बकवास कर रही हो, ऐसा सोचो भी मत प्लीज। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बदल जाओगे। सारा सारा ये सही वक्त नहीं है, मुझे अभी लूका को कॉल करना होगा। ए, सारा क्या कर रही हो? मेरे पास भी फोन है और अब तुम मेरी बात सुनोगे, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? सारा ये सही वक्त नहीं है, मुझे प्लीज अपना फोन दे दो, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन तुम तो अपनी इंसानियत ही बेचकर खा गए। कैसी इंसानियत, क्या बकवास की। मैंने किसी को अपने पास नहीं आने दिया। क्या सारा? सारा ग्रुप मीटिंग में हमने तुम्हें जो बताया वो सच था, तुम हमसे और हमारी नजरों से सच छुपा सकते हो, लेकिन तुम जो कर रहे हो तुम खुद ही बताओ कि उसे ऊपर वाले की नजरों से कैसे बचाओगे। फंसने वाले हैं, हमें अंदर आने दो, खोलो जल्दी, हमें अंदर आने दो, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, बचा लो हमें प्लीज। आखिर ये है क्या? एक बात ध्यान से सुन लो, कोई किसी को कॉल नहीं करने वाला। हमें अंदर आने दो, खोलो जल्दी, हमें अंदर आने दो, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बाकी सबका है। बाकी सब कहाँ है? वो बाहर है। तुम्हें अपने दोस्त को बाहर फेंकना होगा। हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। उदाहरण के लिए पारसी धर्म के फारसियों का मानना था कि गिरते हुए तारे वाकई में खूंखार चुड़ैल का रूप होते हैं। बुराई के देवता आकाशीय शंतु को नष्ट करने वाले और पृथ्वी पर सभी का नाश करने के लिए बिछाया जाने वाला जाल है। इसलिए मेरा मानना है कि आज रात की घटना को देखा जाना चाहिए, वो भी बहुत करीब से, क्योंकि वो हंस रहा है। आवाज आ रही है ना आपको? घबराइए मत प्रोफेसर, जारी रखिए। ऐसा लग रहा है कि कोई वाकई में हंस रहा है। शांत हो जाइए प्रोफेसर वैन वास्टेन। मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं तमाचा मार दूंगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तू इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की औलाद है। अब हमारी कहीं कोई भी इज्जत नहीं। विज्ञापन को बंद कर दो अभी के अभी,
आज हमने सबकी नजरों में अपने सम्मान को पूरी तरह खो दिया है। सम्मान खोने का मतलब है अपने आप को खो देना। समझ में आया? कैसे पागल लोग हैं, इतनी घटिया कॉफी आखिर कौन बनाता है? सैलरी नहीं मिल रही तो मतलब ये नहीं कि काम को खराब करो। जल्दी शोर को ठीक करो, मेरा सर फटा जा रहा है, जल्दी करो, मैं परेशान हो रहा हूं। कॉल बार बार ड्रॉप हो रहा है, लगता है पुलिस स्टेशन के नेटवर्क पर ओवरलोड है। फिर से ट्राई करता हूँ। तेरी तो मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। हम सब अभी कभी यहाँ से निकल रहे हैं, समझ में आया? बाहर जो मौत के सौदागर घूम रहे हैं हमें मार डालेंगे। कार में होंगे तो हम बच सकते हैं। और तो और वो कार को भी चार हिस्सों में तोड़ डालेंगे। कार गैराज में है, कार गैराज के अंदर है। हम गैराज तक कैसे पहुंचेंगे? सर्विस एलिवेटर, हम उसी की मदद से गैराज में पहुंचेंगे। तुम एक काम करो, लूका को फोन करो और उससे पूछो उसके पास चाबियां हैं या नहीं, वरना काम नहीं बनेगा। वो रिस्पांस नहीं दे रहा है। घर की चाबियां पुरानी जगह पर ही होनी चाहिए, कार की चाबियां भी वहीं पर होंगी। रुक जाओ, मुझे रास्ता पता है। वो तो मुझे भी मालूम है। मैं तुमसे तारीफ की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है। कैसे बात कर रहे हो तुम? इस टोन में बात मत करो मुझसे, नीचा दिखाने की कोशिश भी मत करना, ना हंसना और ना रोना। मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मेरा पहला काम होगा यहाँ से निकलना, उसके बाद तुझे जान से मारूंगा। लूका वही है जहाँ हमेशा होता है। क्या चूजी लीगल एज की है, बताओ मुझे? मैं नहीं जानता। लूका गंदी हालत में ही होगा। वैसे हम डबल बेडरूम ले सकते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, मैं समझ गया। देखो, मैं ये जानता हूँ कि वो लड़की मुझे बहुत लाइक करती है, और ये भी जानता हूँ कि तुम उससे प्यार करते हो। तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से? नहीं नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वैसा वाला नहीं। हमें एक ही लड़की से प्यार है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं। हे, तुम ही दोनों, जल्दी 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 वापस आना, मुझे डर लग रहा है। जल्दी
अंदर फंस गए हैं, हम क्या कर सकते हैं? पर कार के अंदर सिर्फ 5 लोगों की जगह है। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए चलो। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग हमें छोड़ के नहीं जा सकते। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। नहीं, रुक जा, वो सब हमें छोड़ के भाग गए। मजबूती से पकड़ो, फिर वापस आना होगा। बचाओ मुझे। ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी देन है। अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो ये नौबत भी नहीं आती। तुम और तुम्हारा घमंड। मेरा घमंड? मेरा हाथ मरोड़ना बंद करो, दर्द हो रहा है मुझे। नहीं तुम मेरा हाथ मरोड़ रही हो, शांत हो जाओ। हे भगवान। अरे सैमुअल मेरे दोस्त, दोस्त रुक जाओ प्लीज। सारा बचाओ मुझे। मैं प्रे करूंगी। कमीनी मतलब ही कहीं की। मैं कुछ करता हूं। अब क्या करें हम? ये शायद उसे कद्दू का लेप है। डार्लिंग तुम डरो मत। अरे कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, हम बच जाएंगे। लेकिन मुझे मरने वाले नहीं है। बस मेरी बात सुनो। नहीं है। नहीं नहीं, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। में है, वो चाहती हैं कि वो अपने मालिक को काट खाएं। वो
भूखी थी, उन्हें टाइम पे खाना नहीं मिलता था, इसलिए वो उसे नफरत भी करने लगी, हालांकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। हम आपको एक जरूरी ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए आर्यन सुप्रीमेसी को बाधित करते हैं। ऐसा लगता है कि आज रात गिरने वाले सितारों की बौछार से लोगों के बीच अप्रत्याशित और दुखद प्रभाव देखने को मिल रहा है, वो भी पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। No time for distractions. Entertainment एक युद्ध है, क्योंकि ऑडियंस हम पर हमेशा पत्थर फेंकती है। पत्थरों को हमेशा बैग में बंद करके रखा जाता है। इस सीख को हमेशा तुम फॉलो करना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अगर ये बच्चों का झुंड है तो वो बाथरूम में वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो मैं पिछले 3 साल से तैयार कर रहा था। उस कैंडी से शुरुआत करते हैं और आखिर में तुम्हारी तरह पैसों की डिमांड पर आ जाएंगे। ये बाहर की दुनिया है, उन्हें जरूरतों के लिए बस एक अपना आसरा चाहिए होता है, बस ताकि वो हमेशा चैन से सांस ले सके। तैयार हो, शुरू करते हैं साथ में। साथ में ध्यान से काटना। हाँ, शुरू करते हैं। देखो क्या है ये। मेरी बहन हमेशा फोन पर रहती है, मैं उसे यहाँ की फोटोज भेज रहा हूँ और जीपीएस लोकेशन। वो हमारी सिचुएशन समझकर पुलिस को कॉल कर देगी। हम मरेंगे नहीं, मेरा वादा है। जानती हूँ। ए, देखो हिम्मत भी मत करना, फोटोज भेजो पहले। हम युद्ध जीतने के लिए लड़ते हैं, जीत ही हमारा मकसद है। तो बताओ, क्या तुम आखिरी सांस तक युद्ध करोगे? अपनी हिम्मत मत हारना और दुश्मन पर पूरी ताकत से वार करना, ताकि जीत तुम्हारी ही हो। Oh, my God.
चलो निकलते हैं। देखो प्लीज इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और स्ट्रांग रहो। सही काम करने के लिए कभी कभी हमें अपने हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं। तुम्हारे सच्चे दोस्त तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए, पर ऐसा तो होना ही था। तुम भी मुझे अकेला छोड़कर मत चले जाना। नहीं, तुम गलत कर रही हो। थोड़ी सी भी उम्मीद हुई तो। अरे कैसी उम्मीद, बस भी करो। ये वही उम्मीद होती है जो लोगों को बुरे से बुरा समय काटने के लिए हिम्मत देती है। पर ये उम्मीद हमें राक्षस में बदल देती है। नहीं नहीं, हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है, उसी मौके की तलाश होती है हमें। तुम गलत कर रही हो। मैंने क्या गलत किया? मैं जीना चाहती हूँ। क्या वो जीना नहीं चाहती थी? हाँ जानती हूँ। चलो चलते हैं। याद है मेरा मनपसंद मुरब्बा? याद है यानी? ब्लूबेरी और इंडियन दालचीनी। उस पल मुझे लगता था यही असली जिंदगी। ये तो सच्ची चाहत थी। मेरा पसंदीदा मुरब्बा। ट्रू लव है भाई। लेकिन ये कितना बुरा वक्त है जो हमारे अच्छे पलों की इज्जत बढ़ा रहा है। ठीक है, हमें उनके पास जाना है। मैं कार ले जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, पता नहीं।
मत करो। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरी एक बेटी है, मेरी बात सुनो प्लीज। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। हम यहाँ से निकलेंगे और तुम अपनी बेटी से मिलोगी। परेशान मत हो, हिम्मत रखो। मेरे पास एक चाबी है और उसके पास दूसरी है। ये मेरे सुरक्षित कमरे की है। वो जानती है कि मुश्किल घड़ी में उसे कहाँ जाकर छिपना है। ये चाबी तुम ले लो। तुम खुद वहाँ जा पाओगी, हमें कुछ नहीं होगा। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं कुछ कर रहा हूँ, रुको जरा। वो मेरे लिए सब कुछ है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। नहीं जा सकते, हम फंस गए हैं। तो हम इससे मुक्त भी हो सकते हैं। शिट, शिट, शिट! नहीं, 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 नहीं! वो लड़की मुझसे चाबियां ले गई, फंसा दिया उसने हमें यहाँ पर। हम फंस चुके हैं, पूरी तरीके से फंस चुके हैं हम। नहीं, तुम ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? नहीं 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 समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं और कहां पे अंत। ये क्या कर रही हो तुम? ढंग से काम करने का टाइम नहीं है। जो भी होगा हॉस्पिटल में डॉक्टर देख लेगा। मैं अपना हाथ नहीं खोना चाहता। हाँ,
हाथ को वापस से सिल दिया जाएगा। और कोई तरीका है क्या? इतनी ही कॉन्फिडेंट हो तो अपने हाथों से शुरू करो ना। यही तुम्हारा प्यार है क्या? ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ कमीने। ये सब मैंने तेरे घमंड की वजह से किया हरामजादी। नहीं, नहीं नहीं नहीं। जिंदा है, हाँ, जिंदा है, खोई हुई आत्माओं में आपका स्वागत है। मेरे डैड जो इस वक्त अपने रेडियो से चिपक कर मेरी बातों को सुन रहे होंगे,
हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान सिंड्रेलो। वो अपने एल्बम के बारे में आपसे बातें करने वाले हैं। आपके एल्बम का नाम क्या है बताइए हमें, दर्शक जानना चाहते हैं। फुटस्टेप्स। क्या बात है, सब इंप्रेस होंगे। हमारे फैन आपके साथ जुड़ चुके हैं। आराम खोर, अपने रेडियो स्टेशन को फिक्स क्यों नहीं करता पहले? टकले, तेरे बाल के साथ तेरी बुद्धि भी उड़ गई है क्या? तुम्हें यह मैसेज नहीं पढ़ना था, मैं आगे पढ़ता हूं। फेडरिको पूछते हैं, क्या जरूरत है आपको ऐसे वाहियात एल्बम बनाने की, जबकि रेडियो में बहुत अच्छे अच्छे गाने रोजाना बजते हैं, तो क्यों हम आपके ऐसे गाने सुनेंगे? बजाय म्यूजिक एल्बम को बनाने के, अच्छा होता कि आप कोई किताब लिखते जिससे कि जनता को ज्ञान भी मिलता। पर जो आसान लगता है वही आप हम पर थोपने आ गए। ना कोई अच्छी फिल्म बनाता है, ना अच्छे गाने बनाता है, आप भी हम पर अपनी चीजें थोपने के लिए आ गए। फेडरिको, तेरी माँ का साकीना का, मेरे जो मन में आएगा मैं वो करेगा। और आखिर तू होता कौन है बोलने वाला? हर किसी की अपनी लाइफ है होती, उस पर तुम जैसे बैल बुद्धि की नहीं सुनी जाती। चुप हो जाओ, तू भाड़ में जा, तेरी तो ऐसी की तैसी। हिम्मत हो तो मुझसे मिल, मैं तेरी बैंड न बजा दूं तो कहना। अबे हटेले, टकले, पकेले, थकेले, मुझसे एक बार आकर तो मिल। मैं सिंड्रेलो तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तेरे साथ जो करूँगा उसी की किताब छपवाकर मार्केट में उतार दूंगा। तू भी खुश और मैं भी खुश, फिर कहीं खोपचे में बैठकर वो किताब पढ़ते रहना और खुश होना। हाँ माँ, मैं ऑन एयर हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करूंगा। हाँ हाँ, अब और बुरा मत बोलो, ठीक है, बाद में मिलते हैं। देखो अभी आप रेडियो मत सुनो, है ना? सॉरी माँ, लव यू माँ, बाय, फोन रखता हूँ, बाय। एक और फैन ने मैसेज भेजा है, मैं उसे पढ़ता हूँ। लिखा है कि बाहर भूचाल आया हुआ है, म्यूजिक बहुत ही वाहियात है, हम में से कई लोग म्यूजिक से मर चुके हैं। वैसे तू कब मरेगा रे बेवकूफ? सिचुएशन पैनिक है, लोग पागल होते जा रहे हैं। सिंड्रेलो आप क्या कहेंगे? सही कहा भाई, पूरी दुनिया पागल हो चुकी है, लोग भूल गए हैं सभ्यता और दूसरों की इज्जत करना। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं, बिल्कुल मेरी तरह, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और हमारी बुराई करना बंद करो, क्योंकि हमारे साथ भगवान भी सुन रहा है। वो आपके एक एक बोले हुए शब्दों का हिसाब लेता है और बेरहम सजा देता है, जैसे कोई गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट या मौत। Huh?
वो मर गया। अगर वो नीले मल के साथ संभोग नहीं कर पाता है तो मर जाता है। तुम ठीक हो ना? प्रिकॉशन यूज किया था, मैं लकी था। मुझे मालूम नहीं था कि एक हाथ में आराम से फिट भी हो जाता है। तो वैसे तुम्हारी एक बेटी भी है ना? हाँ, और जितनी जल्दी हो सके उसके पास जाना। और उसके डैड का क्या? उसके डैड की वजह से ही हमें इस तरह छिपना पड़ रहा है। मैं जो कुछ भी करती हूँ अपनी बेटी के देखभाल के लिए ही करती हूँ, अच्छी जिंदगी के लिए। तुम बहुत स्मार्ट हो, इसलिए मुझे लगता है तुम्हारी बेटी भी ठीक होगी। क्या यही है वो? कौन? वही लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? ये वो बहन जी तो नहीं जिससे तुम प्यार का नाटक करते हो? क्या नाम है इसका? ये उसका और सैमुअल का प्यार है। वो हमेशा से सैमुअल की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा से उससे प्यार करता आया हूं और अब भी करता हूं और करता रहूंगा। क्या वो जानती है? हाँ, मुझे लगता है उसे हमेशा से मालूम था, लेकिन आखिर में वो सैमुअल की गर्लफ्रेंड है और सैमुअल मेरा दोस्त है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हमारी समझ से बाहर है। वो बड़ी मुश्किल से चल पाती है, उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और यहां तक कि खाना भी। डॉक्टर उसे ट्यूब के जरिए खाना खिला पाते हैं और उसका कभी कभी दम भी घुटने लगता है। उस लड़की का नाम जूलिया है। एक दिन सुबह उन्होंने उसको गला दबाया और वो मर गई। अब तुम समझ गई होगी।
मुझे कार की चाबी दो, चाबी दो मुझे, जल्दी दो, अगर तूने नहीं दिया तो बहुत बुरा होगा। ये भी जानता था मैं उसे हॉस्पिटल में मिलने गया था। उसको थोड़ा सा भी हिलने में बहुत मुश्किल होती थी, मुश्किल से बात कर पाती थी। उसने मुझसे कहा वो ऐसी जिंदगी जीती थी जिसमें सब उसकी मर्जी से होता था, लेकिन अब वो एक गिलास पानी भी अपनी मर्जी से नहीं पी पाती है। जिस तरह से उसने मुझे देखा था, मैं तुरंत समझ गया था कि वो क्या चाहती है। अगर तुम सही काम करना चाहते हो तो कभी कभी तुम्हें अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। लेकिन वो हाथ हमेशा गंदे ही रह जाते हैं। हमेशा के लिए। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। चलो चलते हैं। Thank you.
पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सब जानते थे? तुमने क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि वो चाहती थी जो उसका मन करता था। उसने तुझसे क्यों बोला? उसने तुझसे क्यों बोला? मुझसे क्यों नहीं? क्यों? तू ही क्यों? बता मुझे क्यों? तू बता मुझे तुझसे क्यों बोला? क्यों बोला? क्यों? रेई सतोमी ने फिर से दिन को बचा लिया है। पर क्यों? अब कोई उम्मीद नहीं बची है, लेकिन हम फिर भी इंसानियत दिखा सकते हैं अगर तुम चाहो तो।
वो जानती थी कि मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे जाने देता, और वो ये जानती थी कि तुम भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए तुम्हारे हाथों मरने का फैसला किया उसने।